एक बड़ी खबर आपको बता दें, विशाखापट्टनम से है जहां पर करीब 60 किलोमीटर बस में आग लग गई है। तो हल्द्वानी से दक्षिण भारत की यात्रा पर निकली थी बस, लेकिन आग लगने से यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया। तो आग के कारण 10 यात्रियों की झुलसने की भी खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आग लगने की घटना एक बस में सामने आई है। विशाखापट्टनम से करीब 60 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि बस में आग लगी। हल्द्वानी से दक्षिण भारत की यात्रा के लिए ये यात्री आए थे। तो ये नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने अपनी लपटों में इस पूरी बस को ले लिया है, पूरी आगोश में ले लिया है। आग के कारण हालांकि अभी बताया जा रहा है कि 10 यात्री जो है झुलसे हैं। अभी हालांकि किस तरह की जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ है। तो सारा जो सामान है यात्रियों का वो जलकर खाक हो चुका है। वहां से तुरंत ही जैसे ही आग यहां पर पूरी बस को अपने आगोश में लेती नजर आई, उससे पहले ही कोशिश यहां पर लगातार ये कि लोगों को जल्द से जल्द बस से बाहर निकलवाया जाए। हालांकि इस गहमागहमी में, इस आनन फानन के दौरान 10 लोग इसमें झुलस गए हैं। तो विशाखापट्टनम से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर इस बस में आग लगी है। हल्द्वानी से दक्षिण भारत की यात्रा पर ये बस निकली थी, लेकिन अचानक इस बस में आग लग गई। फिलहाल आग के लगने के पीछे का कारण क्या है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन गनीमत ये कि किस तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। तो किस तरह से पूरी बस में आग लग चुकी है ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये आग, लोगों की उस दौरान मनोदशा क्या होगी। हालांकि सभी को बचा लिया गया है, कुछ लोग इसमें तकरीबन 10 लोग बताया जा रहा है, 10 यात्री जो इस बस में झुलसे हैं। तो विशाखापट्टनम से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक बस जिसमें आग लगी।